मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र और सब्जी मंडी के अंदर तस्वीरें देख सकते हैं संदीप सिंह एसडीएम निर्दलीय प्रत्याशी की एक बड़ी रैली या फिर रैला कहे ढोल नगाड़ों के साथ है। इसी तरीके से अलग अलग गांव की टीम में लगातार जोश खरोश के साथ महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी में पहुंच रही है। ये जनता जनार्दन है, ये जनता का जोश है, नाचते गाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ धूम धड़ाके के साथ संदीप सिंह के समर्थन में लोग पहुंच रहे हैं। रात की भी टोर अच्छा है, दिन में भी दिखेगा, रात में भी दिखेगा। उम्मीद कितनी भीड़ आएगी साहब? भीड़ उम्मीद हमारे तो इससे भी ज्यादा आने की है। ऐसी रानी गल की रानी जो हम पहलवान था पहलवान तो ईरानी गल है, ईरानी गल है पहले तो जीत फिक्र है और पाछा गल है चरखा, चरखा गल की पाछा करे बोले सया और सया करके छाते बैठ जा तो आइसक्रीम साहब तो छाते बैठा है। कोई स्टार प्रचारक कोई बड़ा नेता है नहीं, प्रचारक के घर घर का जाने से बता के स्टार प्रचारक, स्टार प्रचारक उनको आया करे जैगा वोट को ने काम ना करवाया। ये तो ट्रेलर है, फिल्म कौन सी अभी बाकी है? बाकी है। तारीख को रिलीज होगी जी फिल्म होगी, 5 तारीख को रिलीज। ये रैली नहीं जी, रैला साबित करेंगे हम। आज संदीप सिंह एसडीएम अपनी जनता को संबोधित करने के लिए अपने जनता जनार्दन के बीच पहुंच चुके, तस्वीरें देख सकते हैं गुलाब के फूल बरसाकर जो उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा, जोश देखते ही बन रहा है। बिना किसी बड़े स्टार प्रचारक के दम पर एक रिकॉर्ड तोड़ रैली महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी में करती है। शायद ही ऐसा नजारा पहले कभी देखने को मिला किसी नेता की रैली में। ये साइड का पंडाल है, साइड के पंडाल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। साइड में अलग से जो है टेंट लगाया गया था और वो भी खचाखच भरा, यानी कि कोई भी कुर्सी खाली नजर नहीं आएगी। संदीप सिंह का संबोधन चल रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर, मैं प्रिंस लंबा, मेरे साथ ही विनेश सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र और सब्जी मंडी के अंदर तस्वीरें देख सकते हैं संदीप सिंह एसडीएम निर्दलीय प्रत्याशी की एक बड़ी रैली या फिर रैला कहे क्योंकि जनसैलाब उमड़ पड़ चुका है और तस्वीरें देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ है। इसी तरीके से अलग अलग गांव की टीम में लगातार जोश खरोश के साथ है महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी में पहुंच रही है। तस्वीरें देख सकते हैं जोश से लबालब जनता ढोल नगाड़ों के साथ है संदीप सिंह का समर्थन करने के लिए आज महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी में पहुंच रही है। तस्वीरें ये जनता जनार्दन है, ये जनता का जोश है, नाचते गाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ धूम धड़ाके के साथ संदीप सिंह के समर्थन में लोग पहुंच रहे हैं। कहां से आए, कहां से? रिवासा गांव से। रिवासा से कितने लोग आए हैं? 150 लोग जी। पक्के वोटर हैं? पक्के पक्के एसडीएम का। संदीप भाई घनी वोट डाटे जीते हो, बहुत घनी मंडल भलो को ना करो, नाराव साहब ने भलो करो, लेकिन यो भाई करेगा भला। इसमें देख ले 10 साल कांग्रेस में देख ले, 10 साल बीजेपी में देख ले, रेप काले का संदीप सिंह एसडीएम का पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन। अकेले का 600 वोट है वासा गांव, बाकी नेता बाकी का 400, दान सिंह का 3000, चौथा कोई नहीं संदीप सिंह की टक्कर। रावदान सिंह पिछड़े दो पर मंत्री रह जाओ, कोई साबित दे मेहनत का पैसा कटेगा हमें फर्स्ट नंबर पे लाएंगे जी। नगर की ना बलानी, भाईचारा निभाना है, विकास करवाना है, भाईचारा भाई जमा भाईचारा, कांग्रेस सरकार हो विकास विकास करवाना। या 44.9 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई, क्या कहा पैसा, ये कितना है पैसा? जनता जवाब मांग रही है, दान सिंह जनता जवाब मांग रही है। जनसंख्या कम से कम 50,000 से 50,000 रिकॉर्ड तोड़ोगे? रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। 1 लाख पर गरीबों के साथी और गरीबों के मसीहा सबके सुख दुख में काम आना इंसान है। शाम तो जीत चुके हैं, जीत के वो खुशी है। ये चुनाव चिन्ह बैठ बैठ
भी याद करे बेटे काट देंगे, दूसरा ना जमना पार भेज देंगे, बल्लमगढ़ को आगे निकला उधर रात के आकर तो ना बाव मन ना बलाव करो ना राव साहब ना करो यूनिट दे दिया सार घर में बलाव कराए तो बताइए भाई बाव मन बत्ते तेरे के आया से पर बत्ते तेरे के आया है बीच में हाँ ये बता दो किराए की भीड़ तो नहीं है कोई किराए की भीड़ नहीं है कोई किराए नहीं है तू साथ चले ती घर ती भीड़ जी ईमानदारी की ईमानदारी की पेड़ है ये तस्वीर देख लीजिए ये संदीप सिंह एसडीएम का चलुआ है ये संदीप सिंह का जादू है लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है भरी दोपहरी गर्मी चरम पर और कहीं ना कहीं लोगों का जोश देखते ही बन रहा है ढोल नगाड़ों के साथ अलग अलग गांव से जो है लोग पहुंच रहे विनय सिंह जिसको तस्वीरें दिखा दीजिए अभी जो है लगभग 500 गाड़ियां हमने रस्ते में देखी सतनाली की तरफ से आ रही है और उससे पहले यहाँ पर जो है जगह नहीं बची कितने वोटों से अब ये तो उसमें बताया लेकिन वो साफ नजर आ रहा है कि विजय कंफर्म है क्यों और क्या लग रहा है बहुत बढ़िया पोजीशन है साहब बहुत ही बढ़िया उम्मीद थी इतनी भीड़ आएगी साहब भीड़ उम्मीद हमारे तो इससे भी ज्यादा आने की है कहते हैं कि आज रिकॉर्ड तोड़ देंगे सारी रैलियों का बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ देंगे साहब तोड़ देंगे बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात बिल्कुल क्या लगता है टूट जाएगा जी रिकॉर्ड टूट जाएगा ताली बजा रहे हो कहाँ से आए डालनवास डालनवास की टीम बैठी है कह रहे रिकॉर्ड तोड़ेंगे आज रैली में बहुत अच्छा बहुत अच्छा रिकॉर्ड तोड़ने की बात चल रही है रैली रिकॉर्ड ही टूट रहा है डालनवास टूट जाएगा बिल्कुल मतलब ऐसी रानी गल जी रानी जो हम पहलवान था पहलवान तो ईरानी गल है ईरानी गल है पहले तो जीत फिक्र है और पछा गल है चरखा चरखा गल की पछा कर सया और सया करके छाते बैठ जा तो एसडीएम साहब तो छाते बैठा है छाती पर बैठ दिए मतलब जिंदाबाद जबरदस्त जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी हम तो एक हिम के साथ आए हैं बढ़िया रैली है खूब पब्लिक आ रही है जी और बढ़िया प्रोग्राम रहेगा आप देख लीजिए क्या लगता है युवा साथी युवा साहब को चुनाव को न सारी महेंद्रगढ़ विधानसभा को चुनाव सर ईमानदारी को चुनाव कोई सटार प्रचार कोई बड़ा नेता है नहीं प्रचार के घर घर का जाने से बता के सटार प्रचार उनको आकर जैगा वोट को न काम ना करवाया ये तो घर घर को आदमी है सबको आदमी सटार सब सटार प्रचार के हम और के हाँ नू सटार पर बैटरी तसांगा और रोशनी विकास की रोशनी महेंद्रगढ़ विधानसभा में चल जाएगी चारों तरफ मंदिर से रोशनी रोशनी हो जाएगी बैटरी 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 जी अच्छा हाथ कमल चापी ये निचर रहेगा निचर साहब का आगे सब फिक्का है मुट्ठी बंद हो गई आज के तो सबसे ज्यादा बैटरी हाँ बैटरी का सेल डेड हुए नहीं बिल्कुल डेड नहीं हुए संदीप सिंह जी सबसे ऊपर आएंगे कम से कम 1,90,000 20 साल के लिए चार्ज कर दी है बैटरी 20 लाख साल के लिए और डिप्टी सीएम को होगा हमारे संदीप साहब डिप्टी सीएम सीधा सीएम हाँ डिप्टी सीएम मंत्री मंत्री भी नहीं 1,00,000 वोटों से पार होंगे और चंडीगढ़ वालों ने पता चल जाएगा कि डिप्टी सीएम लायक है कि नहीं है हाँ ये जो है जनता जनार्दन महेंद्रगढ़ की है कहते कि हमें सटार प्रचारकों की जरूरत नहीं है हम खुद सटार प्रचारक हैं किसी बड़े चेहरे की जरूरत नहीं है हम खुद अपने आप में बड़े चेहरे हैं हम अपने आप में बड़े नेता खुद जो है चुनाव लड़ेंगे और लोगों से मिलवाएंगे और रैली का नजारा आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है अभी से जनता जनार्दन पहुंच चुकी है और लामा साहब महेंद्रगढ़ के चारों तरफ लोग पैदल आ रहे हैं गाड़ियां हैं जाम लग गए अंदर आने की
की जगह नहीं मिल रही, पैदल लोग आ रहे हैं अभी से, जितनी जनता यहाँ नहीं से ज्यादा जनता महेंद्रगढ़। कितनी 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 उम्मीद है आज? 1,00,000 पार उम्मीद है, और जितने है ना इनको कन्वर्ट करेंगे तो 1,00,000 पार वोटों में। ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है, फिल्म कौन सी है? बाकी है, बाकी है, तारीख को रिलीज होगी जी, फिल्म होगी 5 तारीख को रिलीज। ये रैली नहीं जी, रैला साबित करेंगे हम आज, ये महेंद्रगढ़ की जनता ने ठान लिया जी। भाई फिल्म क्या लगता है, ब्लॉकबस्टर जाएगी, हिट जाएगी, सुपर हिट? सर सुपर हिट, पूरे हरियाणा में सुपर हिट, चंडीगढ़ में चलेगी ये जो फिल्म बनेगी ना, ये चंडीगढ़ में चलेगी ना कि महेंद्रगढ़ में? चंडीगढ़ पहुंचेगी। तस्वीरें देख सकते हैं संदीप सिंह SDM अपनी जनता को संबोधित करने के लिए अपने जनता जनार्दन के बीच पहुंच चुके। तस्वीरें देख सकते हैं गुलाब के फूल बरसाकर जोहर का जोरदार स्वागत किया जा रहा है, जोश देखते ही बन रहा है, जनता जनार्दन का उत्साह देखने बन रहा है, और कहीं ना कहीं ये संदीप सिंह का जादू है, जलवा है, जो बिना किसी बड़े सरदार प्रचारक के दम पर एक रिकॉर्ड तोड़ रैली महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी में करती है। शायद ही ऐसा नजारा पहले कभी देखने को मिला किसी नेता की रैली में देखने को मिला हो, जो आज संदीप सिंह के प्रति यहाँ पर जनता जनार्दन में ये माहौल, ये नजारा, ये स्थिति देखने को मिल रही है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से इनका चाहने वाले मंच पर चढ़ चुके हैं, संदीप सिंह से मिल रहे हैं, और कहते हैं जनता जनार्दन का ही प्यार है, जो आज ऐसा माहौल सब्जी मंडी में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, पीछे दिखा दीजिए मेरे संतों का, महिलाएं खड़े होकर अपने चहेते नेता संदीप सिंह का अभिवादन कर रही हैं, दोनों हाथ मिलाकर समर्पण कर रही हैं, और कहीं ना कहीं ये लोगों का जोश है जो संदीप सिंह के प्रति सिर चढ़ के बोल रहा है। महेंद्रगढ़ मंडी में लगातार मौजूद है, संदीप सिंह का भाषण चल रहा है, विनय से दिखूंगा, दिखा दीजिए तस्वीरों में, संदीप सिंह मंच पर है, जनता जनार्दन को, अपने परिवार को, अपने कुनबे को संबोधन दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं किराए की भीड़ है या फिर कुर्सियां खाली पड़ी थी, अब पीछे तक का नजारा हम दिखाएंगे कि वास्तविकता क्या है, ग्राउंड रियलिटी संदीप सिंह SDM की जनसभा की क्या है। तस्वीरें देख सकते हैं, इस तरफ दिखाएंगे तो इस तरफ महिलाएं नजर आएंगी, यानी कि पीछे तक महिलाओं की एक पूरी पूरा जो है कि अलग से पोर्शन बनाया गया है। इसके साथ ही इधर अगर देखेंगे तो ये शेड के नीचे की जगह है, और अगल बगल दोनों तरफ शेड से अलग पंडाल भी लगाया गया है, और अगल बगल के पंडाल भी फुल हैं, खचाखच है, और जनता जो है लगातार। अब पीछे तक की नजारा हम दिखाते हैं, ये अनाज मंडी का माहौल है, ये संदीप सिंह SDM की जनसभा का माहौल है। तस्वीरें दिखा दीजिए विनय सिंह दिखूंगा, जनता जोश से लबालब है, धूप में बैठे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जनता का जोश कम नहीं हो रहा, और ये पीछे का नजारा है, संदीप सिंह मंच पर है, संबोधन दे रहे हैं, और जो लोग बोलते हैं कि कुर्सियां खाली पड़ी थी उनको हम असलियत दिखा देते हैं, ग्राउंड रियलिटी दिखा देते हैं कि एक भी कुर्सी आज यहां पर खाली नजर नहीं आएगी, यहाँ पर जो है सारी कुर्सियां खचाखच और लबालब नजर आएंगे। जिस तरीके से संदीप सिंह के कुनबे ने बोला था कि महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी में 29 तारीख को जन सैलाब आने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये वो रैला है, ये वो जन सैलाब है जो महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में देखने को मिल रहा है, जो संदीप सिंह का अपना परिवार है। पीछे तक की ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाने हैं, पूरा पंडाल पहली से लेकर अंतिम कुर्सी तक खचाखच भरा नजर आने वाला है, ये इनके परिवार की ताकत है, ये इनके परिवार का, इनके कुनबे का प्यार है संदीप सिंह के प्रति, और कहीं ना कहीं बगल का पंडाल भी हम दिखाते हैं। विनय सिंह दिखूंगा, उस साइड में भी एक बार कैमरा घुमा दीजिए, जनता इतनी कि पंडालों में भी आ नहीं पाई, और बाहर जो है धूप में लोग लाइनें लगाए खड़े हैं। ये तस्वीरें हैं सब्जी मंडी की, ये माहौल सब्जी मंडी का है, और कहीं ना कहीं संदीप सिंह ने आज अपनी ताकत दिखा दी, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया, क्या कहेंगे? सच्चाई ईमानदारी की जीत होगी। ये संदीप सिंह का प्यार लोगों के प्रति, ये उनके कुनबे का उनके प्रति प्यार, ये लोगों को जितना प्यार देते हैं उससे ज्यादा इनको पब्लिक प्यार देती है, सच्चाई। जी सर बिल्कुल। और ये साइड का पंडाल है, साइड के पंडाल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, साइड में अलग से जो है टेंट लगाया गया था और वो भी खचाखच भरा, यानी कि कोई भी कुर्सी खाली नजर नहीं आएगी। संदीप सिंह का संबोधन चल रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि संदीप सिंह के रैली में लोग नहीं थे, पीछे कुर्सियां खाली पड़ी थी, ये तो पीछे का नजारा हम दिखा रहे हैं, कोई भी कुर्सी खाली नहीं है, एक एक कुर्सी जो है भरी हुई है, और साथ में लोह जो है लोग आगे जो डी बनाई गई उसके अंदर भी ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। ये संदीप सिंह की पावर है, ये संदीप सिंह की ताकत है। क्यों जी, क्या कहते हैं? हाँ जी, संदीप सिंह आ रहे हैं। इतना जनसभा, आपने कहा था कि 29 को जनसैलाब आएगा। हाँ जी, 29 को जनसभा में आए, बहुत भारी वोटों से जीतेंगे।
अभी आके कह रहे थे कि इस रैली के जिगरे चंडीगढ़ तक चल रहे हैं। जिगरे चंडीगढ़ तक चल रहे हैं। चंडीगढ़ हाँ चंडीगढ़ जाएंगे जीत करके। जीत के जाएंगे जी। संदीप सिंह टीम जीत के जाएंगे। हाँ जी। और नेता भी और नेता है पर लेकिन संदीप जी टीम बहुत बढ़िया अच्छे इनके नेता जी हैं। तो जी क्या एक लाख पूरे तरफा जीत है जी संदीप एसडीएम की एक तरफा। कुछ लोग कहेंगे संदीप सिंह भाषण दे रहे थे पीछे कुर्सियां खाली पड़ी थी। ना जी देखो सारी भरी है कुर्सी सारी। अब भीड़ हो रही है जी मंडी में। आज तक अभी भीड़ थी सब्जी मंडी तो नहीं किसी पार्टी की भीड़ थी। कोई बड़ा चेहरा नहीं कोई बड़ा नेता नहीं कोई बड़ा स्टार प्रचारक नहीं और फिर भी इतनी जनता सच्चाई और ईमानदारी जीते। सच्चाई और ईमानदारी जितने सालों प्रयास किया है 24 साल से लगाकर उसकी जीत है उसके कारण लोग इतने लोग आए हैं। पंडाल के पीछे मौजूद है रैली का समापन हो चुका है। कुछ जो लोग जो हमारे साथ खास बातचीत में है अब क्या नाम है बलजीत नाम है। बलजीत जी क्या कहेंगे क्या लग रहा है आज कहते थे कि बड़ा महारैला होने वाला है। देख लो आपके आगे है महारैला ही कह रहे कि चंडीगढ़ तक जिगरे हो रहे हैं आज की रैली। चंडीगढ़ तक पहुंच गई बात बिल्कुल। तो क्या क्या बात पूछी चंडीगढ़ इतनी जनता देख ईमानदारी को साहब की ईमानदारी पार है इस बार बिल्कुल 1 लाख पार है। पार है। कुछ लोग इधर खड़े जी क्या नाम है। महेंद्र सिंह कौन से गांव डालनवास से। डालनवास से हैं पूरी टीम आई हुई है क्या कहेंगे कैसा लग रहा है। बहुत तगड़ा माहौल लग रहा है। अच्छा डालनवास में क्या स्थिति। डालनवास में तो 1500 के पार वोट है एक तरफा। हाँ एक तरफा है तकरीबन। दूसरे नेता क्या करें फिर। दूसरे नेता बस रेस्ट करो। हाँ बहुत कर लिया। संदीप सिंह के कुंड में बोल दिया कि आपकी छुट्टी हो चुकी है। छुट्टी हो चुकी है बिल्कुल छुट्टी हो चुकी है। ये कुंडबा अब झुकने वाला नहीं बिल्कुल नहीं झुकेगा मार करके छोड़ बिल्कुल। सारा ये डालनवास का ये सारा डालनवास ने केमन बना रखे इसका काम ने आधी तो रन पार मारा काम तो पूरा काम ने मन एक के काल आप तो उम्र गए देखिए कौन कर ले आप क्यों जी क्या कहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं जनता ने बिल्कुल पक्की धारणा कर ली है कि अब की बार ये दोनों जितने भी पहले के प्रत्याशी बाहर करके नए प्रत्याशी संदीप एसडीएम को विजय बना के काफ़ी वोटों से और महेंद्रगढ़ को हमें आज तक जिप से पीछे हैं सबसे आगे लाना है। ओके सबसे आगे लाना सीएम का रैली हो सीएम की रैली जब तक नहीं रही। पिछले बार धर्मवीर के लेके सब चुनाव देख लिए योगी की देख ली मोदी की देख ली लेकिन एक महेंद्रगढ़ के 10 कांसूसी में से 10वें हिस्से में से इतनी बड़ी रैली होते हुए मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। किराए की भीड़ तो नहीं। ये कोई किराए की भीड़ नहीं लावणी छोड़ के आए हुए हैं जी जाके फेर में दाती पड़ी है वो करनी है। एक बात बताओ या किराए की बताओ डालमा से भीड़ थी किराए की जमींदार आदमी बिल्कुल बिल्कुल आज महेंद्रगढ़ में मौजूद थे। इन लोगों का कहना है कि ऐसी रैली किसी पार्टी की किसी नेता की नहीं हुई जो आज संदीप सिंह की हुई है और ऐसे में कहना कि इनके कुनबे का कहना कि इस बार 1 लाख पार करके छोड़ेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ हूं प्रिंस लंबा मेरे साथ हरियाणा न्यूज 24 नमस्कार जय हिंद।